हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो और आप लोग जानना चाहते हो कि इंस्टाग्राम पे जो एक्टिव स्टेटस होता है उसको कैसे डीएक्टिवेट करते हैं, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना हुए अब वीडियो को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे नया अपडेट आ चुका है इंस्टाग्राम की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट है वो शानदार अपडेट है और आप लोग जानना चाह रहे हो कि इंस्टाग्राम पे जो एक्टिविटी जो स्टेटस होता है उसको कैसे यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, कैसे यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जो बगल में बेल आइकन है उसको दोबारा ना भूलिएगा, ताकि आने वाला हर नया अपडेट आप तक पहुँच रहे। तो फ्रेंड्स, एक्टिविटी स्टेटस को डीएक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे मिलता है आप लोगों को राइट हैंड साइड में प्रोफाइल, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखना दिखाने का प्रयास करेंगे नीचे साइड में प्रोफाइल, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जैसे कि हमने क्लिक किया, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं मैंने पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको ऊपर साइड में 3 लाइंस मिलते हैं, यानी कि 3 डॉट्स मिलते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोग जैसे कि देख सकते हो सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पहले रिकमेंड करूँगा, मैं आपको पहले यहाँ पर सेटिंग का आइकन मिलता था, अब यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी का आइकन देखने को मिलता है, ठीक है, सो दैट इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको ये शानदार फ्यूचर है, आप लोग अपने फ़ोन में अभी इंस्टाग्राम को अपडेट करें। अगर आपको ओल्ड वर्जन जानना है तो आप लोग, मैंने इंस्टाग्राम की आईडी लिंक डाल दी हाईवेजो और यहाँ पे जो इंस्टाग्राम का ओल्ड वर्जन में आपको इंस्टॉल करा देंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलता है मैसेज एंड स्टोरी रील्स, ठीक है, यहाँ पे मैसेज एंड स्टोरी एंड रिप्लाई पे आप लोग क्लिक करोगे इस तरीके से। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोग जैसे कि देख सकते हो कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, मैसेज रिक्वेस्ट स्टोरी रील्स में, ठीक है, और यहाँ पे सो एक्टिविटी स्टेटस, ठीक है। अगर आपको एक्टिविटी स्टेटस को शो करना चाहते हो, यानी कि डीएक्टिवेट करना चाहते हो, एक्टिव करना चाहते हो, कोई भी फ्यूचर करना चाहते हो, इसको यहाँ पे इस पर क्लिक करना और यहाँ पे ऑफ होता है तो इसको ऑन करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम से 1-2 मिनट से आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, कोई इंस्टाग्राम यूज़र आ जाता है और आपको देख लेता कि आप लोग ऑनलाइन हो तो आपको मैसेज जड़ाजड़ मैसेज करता रहेगा, लेकिन आपको इसको ऑफ़ करना है तो ऑफ़ करने के बाद आप लोग किसी को इंस्टाग्राम दे किसी से चैट कर सकते हो, कोई भी मेंबर नहीं पता कर रहेगा कि आप लोग इंस्टाग्राम पे ओपन हो, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो या ना हो, ठीक है। इसको ऑफ़ करना चाहते हो ऑफ़ कर सकते हो, इसको डीएक्टिवेट करना चाहते हो डीएक्टिवेट कर सकते हो, एक्टिव करना चाहते हो एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से जो भी चूज़ करना चाह रहे हो यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद आपको बैक आना होगा, ठीक है, और आप लोग जिससे मैसेज करना चाह रहे हो, जिससे आप लोग मैसेज करोगे यहाँ पे मैसेज कर पाएगा, उसको किसी को पता नहीं चलेगा कि आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम पे ऑफ वहाँ पे लाइव हो या फिर ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, ठीक है। तो ये बड़ा कमाल का फ्यूचर है, आप लोग अपने इंस्टाग्राम को अभी अपडेट करेंगे और आप लोग, आपको अगर ये ऑप्शन अभी तक नहीं मिल रहा तो आप लोग अभी इस इंस्टाग्राम को प्ले स्टोर से जाके अपडेट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।